रूस यूक्रेन के बीच युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, वहीं चीन के साथ अमेरिका के रिश्ते लगातार खराब होते जा रहे हैं। मौजूदा समय में अमेरिका की बादशाहत को चीन और रूस लगातार चुनौती दे रहे हैं, लेकिन इस बीच अमेरिकी एयरफोर्स के बेड़े में एक बड़ा घातक एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट शामिल हुआ है, जिससे अमेरिका के दुश्मनों की नींद उड़ गई है। इस एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट के सामने राफेल भी नहीं टिकता। 2 दिसंबर को अमेरिकी एयरफोर्स के बेड़े में एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट B-21 रेडार शामिल किया गया है, जिसे लेकर दुनिया भर में इसकी खूबियों को लेकर चर्चा चल रही है। B-21 सिक्स्थ जनरेशन का एयरक्राफ्ट है, जो अमेरिकी वर्जन एयरक्राफ्ट B-1B-2 ग्रुप का अपडेटेड वर्जन है। चीन, जापान, रूस, यूके, फ्रांस इस टेक्नोलॉजी पर अभी काम कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका ने इस टेक्नोलॉजी पर पहला 6th जनरेशन का एयरक्राफ्ट अपने बेड़े में शामिल भी कर लिया है। आज के दौर में किसी भी देश के पास ऐसा घातक हथियार नहीं है, ऐसे में अब अमेरिका किसी भी देश पर हमले की धमकी देकर दुनिया पर दबाव बनाए रखने में कामयाब होगा। इस घातक विमान की खास खूबी ये है कि ये दुनिया के किसी भी देश में घुसकर उस पर हमला कर सकता है, और वो भी बिना किसी पायलट के। इसे डिजिटल टेक्नोलॉजी से भी चलाया जा सकता है। अमेरिका दुनिया में अपनी बादशाहत को कायम रखना चाहता है, लेकिन रूस और चीन ऐसा होने नहीं देना चाहते। ऐसे में अमेरिका को ऐसे ही घातक हथियार की जरूरत थी, जो बिना किसी देश को भनक लगे दुश्मन देश पर हमला करके वापस भी आ जाए, और इस काम में B-21 पूरी तरह माहिर है। B-21 की खूबियों की अगर बात करें तो वो चौंका देने वाली हैं। ये घातक विमान राफेल से करीब 2 गुना रफ्तार से उड़ सकता है। इसकी अधिकतम गति 3600 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि राफेल की 1912 किलोमीटर प्रति घंटा। B-21 को अमेरिकन कंपनी नॉर्थरॉप ग्रूमैन ने बनाया है, जिसकी कीमत 16,000 करोड़ रुपए है।